बात करेंगे जय शाह की। विस्तार से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर जय शाह आईसीसी के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं। आपको बता दें कि निर्विरोध आईसीसी अध्यक्ष जय शाह चुने गए हैं। 1 दिसंबर से अब अध्यक्ष का पद संभालेंगे, तो एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर मिली है। जहां आपको बता दें कि महज 35 साल की उम्र में चेयरपर्सन बने हैं, जहां बीसीसीआई सचिव का पद अब छोड़ना होगा। वर्ल्ड क्रिकेट में अब भारत का दबदबा देखने को मिलेगा, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर बड़ी जिम्मेदारी, आपको बता दें कि बीसीसीआई सचिव पद अब जय शाह को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बनाए गए हैं जय शाह, और सबसे बड़ी बात कि निर्विरोध चुने गए हैं। अगर जय शाह की बात कर ली जाए तो देखिए 2019 से बीसीसीआई सचिव का पद संभाल रहे हैं, काफी बड़ी जिम्मेदारी। और इसके साथ ही T20 वर्ल्ड कप हमने आपको बता दें कि जय शाह के नेतृत्व में ही जीता था। अब ऐसे में सबसे पहले अगर बात कर ली जाए जय शाह की, तो 2019 से बीसीसीआई सचिव का पद संभाल रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जब उन्हें आईसीसी चेयरपर्सन बनाया जाएगा तो उन्हें बीसीसीआई सचिव का पद छोड़ना होगा। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात कि आपको ये बता देते हैं कि ऐसे में जय शाह कैसे क्रिकेट के बॉस बने, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास भी करते हैं। तो देखिए आईसीसी के मौजूदा चेयरपर्सन ग्रेग बार्कले हैं, 30 नवंबर को उनका जो टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में तीसरी बार चेयरपर्सन बनने से उन्होंने इनकार कर दिया है। 2020 से चेयरपर्सन के पद पर बार्कले लगातार यहां पर काबिज थे। आपको बता दें कि 27 अगस्त को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी, जहां शाह नॉमिनेशन करने वाले अकेले कैंडिडेट हैं और जय शाह को निर्विरोध चेयरपर्सन चुना गया है। तो ये तमाम वजह है जिसकी वजह से निर्विरोध चेयरपर्सन बनाया गया है। 27 अगस्त को यानी कि आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी, यानी कि एक ही दावेदार आईसीसी की रेस में था और वो थे सिर्फ और सिर्फ जय शाह, जहां पर उन्हें निर्विरोध चेयरपर्सन चुना गया है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता दिलीप काप से हमारे साथ में जुड़ गए। दिलीप जी, एक बार फिर से इंटरनेशनल काउंसिल क्रिकेट काउंसिल में एक बार फिर से भारत का दबदबा देखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। देखिए पहले से इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि जय शाह जो है वो ये आईसीसी चीफ जो है बॉस का पद जो है वो संभालेंगे, एक बड़े दावेदार थे। और क्योंकि ग्रेग बार्कले जो मौजूदा चेयरपर्सन है उन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए मना कर दिया था, उसके बाद जय शाह के जो चांसेस थे वो बढ़ गए थे और फाइनली आज आखिरी तारीख थी नॉमिनेशन की चेयरपर्सन के लिए, और वहां पर किसी और ने नॉमिनेशन नहीं किया, सिर्फ एक ही नॉमिनेशन था वो जय शाह का था। तो इस लिहाज से वो निर्विरोध चुने गए हैं और भारत की वर्ल्ड क्रिकेट में एक तरह से फिर से जो दबदबा है वो उसे और मजबूती मिली है, क्योंकि जिस तरह से चेयरपर्सन चुने जाने के बाद जय शाह का बयान सामने आया है, उन्होंने सबसे पहले तो थैंक्स कहा सभी लोगों को चेयरपर्सन बनाने के लिए, और जो उन्होंने कोट की है बात उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो क्रिकेट को ग्लोबली बढ़ाने के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। हम पिछले कुछ समय में देख रहे हैं कि क्रिकेट खेलने वाले देशों की तादाद लगातार बढ़ी है, खासकर T20 आने के बाद, और इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि मल्टीपल फॉर्मेट पे काम करेगी आईसीसी, यानी कि टेस्ट वनडे और T20 के बाद अब हो सकता है कि जो 100-100 गेम है उसको भी बढ़ावा देने की तरफ बढ़े जय शाह के आने के बाद। और खेल में नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, खेल को ज्यादा क्लियर, ज्यादा साफ सुथरा और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए जो हो सकता है कि और भी बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर जय शाह काम करना चाहते हैं। युवा चेयरपर्सन मिला है आईसीसी को जिसके पास एक लंबा प्रशासकीय अनुभव है, उन्होंने बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि अब जय शाह आईसीसी के चेयरपर्सन निर्विरोध चुने गए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दिलीप जी तमाम जानकारी के लिए।